हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंबे लेबोरेटरीज लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी का जीएमपी क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, सब चीज़ जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ पाएँ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और वीडियो में जानते हैं हमें किस किस टॉपिक पर बात करनी है। सबसे पहली बात तो हमें बात करनी है ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है। सेकेंड टॉपिक फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। तो जैसे कि आप नाम समझते हैं कि अंबे लेबोरेटरीज लिमिटेड, बेसिकली मैं आपको बता दूँ ये जो कंपनी है एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स में आती है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे कि यूपीएल कंपनी है, शारदा क्रॉप है, सेम टू सेम प्रोडक्ट सेगमेंट इनके पास भी है। अंबे लेबोरेटरीज लिमिटेड क्रॉप प्रोटेक्शन में काम करती हैं। कंपनी का बेसिक नेचर तो हमने समझ लिया, कंपनी का जीएमपी क्या है। तो जीएमपी मैं आपको बताऊं तो 1 जुलाई 2024 को 68 रुपीज़ इसका आईपीओ प्राइस था, 22 रुपये जीएमपी चल रहा था और 90 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस था और 32.35% यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन था। तो अभी फ़िलहाल 2 तारीख से यहाँ पर 22 से बढ़ के जीएमपी 27 तो हो चुका है, यानी कि 5 रुपये बढ़ चुका है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 95 हो चुका है और 39.71% ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन है। तो 3 तारीख आज हो चुके हैं, 3 तारीख को भी लगभग वही है कि जीएमपी 27 है, यानी कि हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में अगर अप्लाई करते हैं तो हमें 39.71% का प्रॉफिट होने की संभावना है। तो ये बात तो हमने पहले समझ ली। तो अब हम समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में, मेनली एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। द कंपनी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन सर्विंग द एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट सेक्टर फॉर ओवर 4 डेकेड्स, यानी कि 40 साल से ये कंपनी काम करती है, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई 2-4D बेस्ड केमिकल्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर फैसिलिटी इज प्रेजेंट इन बहरूर, राजस्थान। इज सर्टिफाइड विद ISO 9001:2015 बाय द क्वालिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ISO 14001:2015 बाय यूनाइटेड एक्रेडिटेशन फाउंडेशन, यानी कि कंपनी के पास सर्टिफिकेशन है और कंपनी इन 2 जगहों से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है और बहनूर राजस्थान में इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। द कंपनी करंटली प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर इट्स कस्टमर बेस विच इन्वॉल्व लार्ज कॉरपोरेट लाइक एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड, जूनियर जिंदल इंफ्रा एंड SC फॉर्मुलेटर, यानी कि ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि इनको ये बड़ी जो कंपनियां हैं इनको भेजती है, जैसे एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड और जिंदल इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो इन सब कंपनियों को ये कुछ सामान बना के भेजती है, देती है, आगे प्रोड्यूस करके देती है, सेल करती है। तो इनके कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स आप समझ सकते हैं, 2,4-D एसिड 98% TCC, 2,4-D सोडियम 95% SP। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज होते हैं वो ये बनाती है, जैसे क्लोरोफिरोफोस एंड पेरिलथकोर। तो ये सारे केमिकल्स हैं, बेसिकली केमिकल्स का नाम है जो कि ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज़ होते हैं और ये उसको बना के आगे सेल करती है। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 द कंपनी एम्प्लॉय 2020 एम्प्लॉयज इन वेरियस डिपार्टमेंट। कंपनी के पास 220 एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं, यानी कि उनको रोजगार दे रखा कंपनी ने। और कंपनी की डिटेल्स तो हमने समझ ली कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के हमें फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स जानने कि कंपनी का कारोबार जो करती है उसमें उसकी पहुंच कहां तक है और कहां तक उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या कहती हैं। तो यहां पे लिखा है अंबे लेबोरेटरीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे 31 मार्च 2021 से 22 में, 31 मार्च 2023 एंड 31 जनवरी 2024। तो यहाँ रेवेन्यू एसेट्स का कॉलम है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं और ये वैल्यूज जो हैं लैक्स में हैं। तो यहाँ पे 4,461 से बढ़कर हुआ है 5,592, यहाँ पे 5,761 और एसेट्स 8,620 लाख हो गई है, यानी कि एसेट्स का कॉलम जो है वो बड़ा है साल दर साल। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 8,241, 8,511 और अभी लेटेस्ट में 10,043 लाख इनकी रेवेन्यूज है। तो रेवेन्यूज़ में लगभग स्टडी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी का हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 1,033 लाख था
जो कि यहाँ पे 357 हुआ, घटा था थोड़ा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे 456 यानी कि 31 मार्च 23 में 456.93 लाख था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 31 जनवरी 2024 तक 607.73 लाख है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो पिछले तीन जो फिगर्स हैं 31 मार्च 21 के कंपेरिजन में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी आई है, बट अभी 2022 के मुकाबले में 2023 में बढ़ा है, और 2023 के मुकाबले में 2024 में बढ़ा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेटवर्थ की बात की जाए तो यहाँ पे नेटवर्थ जो कंपनी की थी 2021 में माइनस में थी 786 लाख, और यहाँ पर अब नेटवर्थ जो है बढ़ी है 1963 एंड 3431। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी में 2021 में नेगेटिव में थे, वहीं पे अब धीरे धीरे रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के बढ़े हैं, अभी 1562.46 लाख रिजर्व एंड सरप्लस हैं कंपनी के पास। अगर कर्जे की बात करें तो कर्जा कंपनी के पास पहले बहुत ज़्यादा था 3292 लाख, और बट अब इन्होंने थोड़ा सा कम किया है 1804, फिर 1365, और इस समय अभी है 2005 लाख का इन पे कर्जा है। तो अगर हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में जानें कि कंपनी का करती क्या है और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब क्या है, तो अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है 171 करोड़ का है, तो कंपनी काफ़ी छोटी है और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, बेसिकली स्मॉल बिजनेस है, माइक्रो बिजनेस यू कैन से। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अभी 20.80%, तो रिटर्न इक्विटी तो ठीक ठाक है, बट अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 13.14% जो कि नेगेटिव है। अगर हमें देखा जाए तो 15% तक तो होना ही चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 15% से कम है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। वहीं पर डेप्ट टू इक्विटी की रेशियो की बात की जाए तो 0.58 है, जो कि बढ़िया बात है, और किसी भी कंपनी पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो यानी कि उस कंपनी पे कर्जा ज़्यादा, कर्जा कम है और इक्विटी उसके पास ज़्यादा है, तो इस कंपनी के पास कर्जा अभी कम है एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो 0.58 इज द इक्विटी टू डेप्ट इक्विटी रेशियो। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 20.80 जो कि ठीक है, प्रॉफिट ऑफ बुक वैल्यू 3.58 एंड प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन इज 6% जो कि थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और होना चाहिए। ईपीएस की बात करें तो प्री एंड पोस्ट में 2.44, 2.89 एंड पी रेशियो इज 27.81 एंड 23.54। तो ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी करना क्या चाहती है, ये आईपीओ क्यों निकाल रही है, उसकी वजह यह है कि उनको अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना है, मैच करना है, अपने कारोबार को करने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए आईपीओ निकाल रही ताकि पैसा आएगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये एक ठीक बात है, ये इसमें गलत चीज़ नहीं है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ऑब्जेक्टिव कंपनी का बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उन्हें लोन चुकाना, ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अपने बिजनेस में जो वर्किंग लिक्विडिटी होती है उसके लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंशन के लिए यू कैन से वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए अगर कैपिटल रेज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन हाईली कॉम्पिटेटिव एंड फ्रेगमेंट सेगमेंट ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी कि कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है जैसे कि आप जानते हैं। एंड इट हैज़ रिपोर्टेड इनकंसिस्टेंसी इन इट्स बॉटम लाइन फॉर द रिपोर्टेड पीरियड, देयर इज सम ग्रैबल इन द ऑफर्स डॉक्यूमेंट ऑन फाइनेंशियल डेटा, यानी कि इनकंसिस्टेंसी आई इनके जो बॉटम लाइन है। एंड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 2024 एनुअल सुपर अर्निंग द इशू अपीयर अग्रेसिवली डिस्काउंटिंग, यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल घटा है एज कम्पेयरटिवली 2021 में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी तगड़ा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1033 लाख, और पिछले कुछ सालों में 2022, 23, 24 की बात की जाए तो 357, 456 और 607 लाख ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया, तो उसी की बात की जा रही है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा घटा है। और कंपनी के बारे में हमने जाना कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी जो अभी है ये कितने 44.68 करोड़ का आईपीओ निकालने वाली है, और ये जो टोटल आईपीओ है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, एंड फ्रेश इशू जो है वो 42.55 करोड़ का है जिसमें 62.58 लाख शेयर इनको निकालने पड़ेंगे फ्रेश इशू में, और वहीं पर ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो 2.12 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को बेचेंगे, उसके बदले में पैसा मिलेगा 2.12 लाख शेयर
बेचे जाएंगे जिसकी वैल्यू इन्होंने 2.12 करोड़ बना रखी है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ आई पी ओ इन विच दे हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल से 2.12 करोड़ रेस करना चाहते हैं और फ्रेश इशू से 42.55 करोड़ रेस करना चाहते हैं। अगर हम बात करें आई पी ओ की डिटेल के बारे में कि आई पी ओ की डिटेल क्या है, क्या टाइम एंड टारगेट है, तो आई पी ओ जो है इनका जुलाई 4 2024 से चालू होगा और जुलाई 8-24 तक चलेगा। और फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड जो कंपनी ने रख रखा है वो 65 से 68 के बीच में है पर शेयर। एंड लॉट साइज है 2000 शेयर, यानी कि एक लॉट में आपको 2000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और अगर हम इशू टाइप करें तो बुक बिल्ट इशू आई पी ओ, और ये जो लिस्टिंग होगी NSE और SME पे होगी, ये BSE पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। और जो आई पी ओ की ओपन डेट है जुलाई 4, आई पी ओ की क्लोज डेट है जुलाई 5, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 9 जुलाई 2024 को। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको रिफंड भी मिलेगा, जुलाई 10-24 को रिफंड मिल जाएगा। और जो शेयर्स जो क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट में वो भी 10 जुलाई को क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है मतलब शेयर्स की जो लिस्टिंग डेट है वो 11 जुलाई को शेयर लिस्ट हो जाएंगे। और आप जब तक पेमेंट कर सकते हैं उसकी तारीख है 8 जुलाई 2024, 5 बजे तक आप UPI मैंडेट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक IPO की डिटेल्स थी। और बात करें इन्वेस्टर कैन बिड फॉर ए मिनिमम ऑफ 2000 शेयर एंड इट्स मल्टीपल डेयर ऑफ, यानी कि जो भी इनसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको केवल 2000 शेयर तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में जो हैं उनको अगर एक लॉट खरीदते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है जिसकी वैल्यू 136,000 होती है। वहीं पे एक मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम भी एक ही लॉट खरीद सकते हैं रिटेल कैटेगरी में। तो 2000 शेयरों का लॉट है एक, तो 136,000 उसकी वैल्यू है। अगर हम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की बात करें तो 2 लॉट खरीद सकते हैं जिसकी वैल्यू 272,000 हो सकती है। तो ये बात है। और हम IPO के प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर नाउ अर्चित गुप्ता एंड अर्पित गुप्ता एंड सरीना गुप्ता एंड रिश्ता गुप्ता, यानी कि ऑलमोस्ट ये सारे फैमिली मेंबर्स हैं, गुप्ता फैमिली है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्री इशू है 94.97 एंड पोस्ट इशू है, यानी कि जब इशू हो जाएगा IPO अलॉट हो जाएगा तो 69.90% इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर्स की। और 30% के आसपास जो प्रमोटर मतलब होल्डिंग्स है वो रिटेल कैटेगरी के पास और HNI कैटेगरी के पास और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टर कैटेगरी के देख लें तो QIB कैटेगरी जो है नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू, रिटेल कैटेगरी में नॉट मोर देन 35% ऑफ नेट इशू एंड HNI कैटेगरी नॉट मोर देन 15% ऑफ नेट इशू। तो ये सब चीज़ें मेन हैं कि हमने इस को जान लिया इस IPO के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इस पर्टिकुलर IPO में अप्लाई करें नहीं करें। तो सबसे हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जाना कि कुछ जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े दिक्कत वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला दिक्कत वाली जो चीज़ है 13.14 इज़ द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ऊपर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, दूसरे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक है, प्रॉफिट बुक वैल्यू रेशियो ठीक है, प्रॉफिट टैक्स ठीक है, और ये सब भी ठीक है, EPS PE रेशियो सब ठीक है। बट ये जो IPO है SME कैटेगरी में है तो इसमें रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। अगर SME कैटेगरी में नहीं होता तो ये एक ठीक होता IPO। और इसका अगर हम लिस्टिंग गेन भी देखें तो 39.71% है। अगर आपको किसी भी IPO में मतलब एनरोल करना है, IPO में अपना हिस्सा लेना है, तो आप हमेशा ऐसे IPO को ट्राई आउट करें जिसका लिस्टिंग गेन 100% से ऊपर का हो, तो आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और क्योंकि 100% जब आपका आगे बोलते हैं लिस्टिंग गेन होता है तो अगर थोड़ा अप डाउन भी हुआ तो भी आपको प्रॉफिट मार्जिन दे के जाएगा। बट और जब भी आप IPO में लिस्ट करें, अपने आप को अलॉटमेंट लें, जब भी उसमें अप्लाई करना हो, तो जिस दिन IPO क्लोज होने वाला, जैसे IPO यहाँ पे जो क्लोज होने वाला 8 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, तो 8 जुलाई को क्लोज होने वाला, तो आप 7 जुलाई को अप्लाई करें अलॉटमेंट के लिए। किसी भी IPO में अप्लाई करें, 8 जुलाई का क्लोज होगा तो 7 जुलाई को अप्लाई कर दें, तो उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड है वो नहीं हो सकती है और उसकी संभावना कम है। मान लीजिए 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में IPO है और बीच में मान लीजिए 6 जुलाई को कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई IPO से रिलेटेड, तो ऐसे में आपका जो स्टॉक मार्केट में इस पर्टिकुलर IPO का जो भाव है वो कम हो जाएगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो जाएगा, आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में
जब भी मार्केट में आईपीओ क्लोज होने वाला है तो उससे एक दिन पहले आप एनालाइज करें और उसमें आप दाम लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर आईपीओ में अभी होल्ड करना चाहिए और 7 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 7 तारीख में अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है और बाकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अच्छे हैं तो आप उस समय दिमाग लगा सकते हैं और इसमें दाम लगा सकते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।